हे गाइस, व्हाट इज़ अप। मैं हूँ सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं Tech24। सो दोस्तों, मैं पहले ही बता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगे कि वीडियो में हमने कुछ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका कि एक हाईलाइट है, बहुत ही मैसिव बैटरी, जो कि है 16,000 mAh की बैटरी। और दोस्तों, इस डिवाइस का नाम है एनर्जायर पावर मैक्स P16K Pro। ये डिवाइस का नाम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन नाम पे मत जाओ दोस्तों। जितना नाम लंबा है उतनी ही लंबी इसकी बैटरी भी है। सो दोस्तों, मैं अभी बैटरी पे आने से पहले अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये डिवाइस काफ़ी हाई एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। हाई एंड बोले तो एक टॉप लेवल के स्पेसिफिकेशंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला स्मार्टफोन है जो इतनी मैसिव बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है। इससे पहले भी एक स्मार्टफोन था जिसको अभी आपको याद हो कि 2015 में ये लॉन्च हुआ था विथ 10,000 mAh बैटरी के साथ में, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एनर्जायर पावर मैक्स P16K Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है लगभग 6 इंच का डिस्प्ले। और दोस्तों, जो इसका रिजोल्यूशन है वो है 18:9 का, मतलब कि एक बेजल लेस रिजोल्यूशन के साथ आता है, जिसका रिजोल्यूशन जो अगर मैं पिक्सल्स में बात करूँ तो इसका रिजोल्यूशन है 1080x2160 pixels का। ये एक फुल HD का डिस्प्ले है। दोस्तों, इसमें आपको मिलता है ऑक्टाकोर का मीडिया टेक हेलियो P23 का प्रोसेसर। और दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाला है 6 GB का रैम। दोस्तों, ये फ़ोन में आपको मिलने वाला है 128 GB का इंटरनल स्टोरेज जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। और ये रन करता है एंड्रॉयड 8.0 पे। और दोस्तों, इसमें आपको कनेक्टिविटी के दो फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, सेंसर्स में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप ETC आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरे के अगर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल कैमरास के सेटअप मिलते हैं, और यहाँ पे क्वाड ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलने वाले हैं, मतलब कि आपको पीछे भी और सामने में भी आपको दो कैमरास मिलने वाले हैं। जो दोस्तों, अगर मैं पीछे के कैमरे की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 16+13 megapixel का कैमरा मिलने वाला है, जो कि सपोर्ट करता है फेज डिटेक्शन, ऑटो फोकस, PDAF, ड्यूअल टोमेन LED फ्लैश। और दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रंट में है वहाँ पे 13+5 megapixel का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जो कि अच्छी सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग कर सकता है। चलिए, हम स्पेसिफिकेशन और बाकी हर चीज़ को साइड में रखते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि 16,000 mAh की बैटरी क्या क्या कर सकती है। सो दोस्तों, अपने पैरों से चल नहीं सकती, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ नहीं सकती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे स्मार्टफोन का गेम चेंज कर सकती है। जो 16,000 mAh की बैटरी है वो आपको आराम से दोस्तों 9 दिन, अगर आप नॉर्मल यूजर्स में अगर आप इसको यूज़ करो तो आपको आराम से 9 से 10 दिन का बैकअप दे सकती है। मतलब कि आपको स्मार्टफोन में, मैं बात कर रहा हूँ, हर आप मल्टीमीडिया फीचर्स यूज़ करोगे, 4G यूज़ करोगे, वीडियोस देखोगे, फिर भी नॉर्मल यूजर्स में आप इसको 9 से 10 दिन आराम से चला सकते हो। मेरे पास था एसूस का ज़ेनफोन कुछ सीरीज था, अभी मुझे इतना नाम याद नहीं है, उसमें 5,000 mAh की बैटरी थी। और दोस्तों, मैं उसको 2.5-3 दिन तक नॉर्मल यूज़ में बिना चार्ज किए मैं 3-3 दिन तक आराम से चला देता था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे है 16,000 mAh की बैटरी, तो 5,000+5,000, 10,000, मतलब कि 3 दिन+3 दिन, 6 दिन, देन यहाँ पे 5,000 और मिलाओ 15,000, फिर 6 और फिर एक 16,000। सो दोस्तों, आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि 9 से 10 दिन तो ये आराम से नॉर्मल यूजर्स में, और हैवी यूज़ की अगर बात करो तो यार आप 2-3 दिन में ख़त्म कर दोगे। लेकिन एक एवरेज यूज़र है जिसको कम काम है, आराम से ऑफिस जाता है आता है, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करता है, थोड़ा बहुत बोले तो नॉर्मल यूज़ करता है, गेम खेलता है, वीडियो देखता है, कॉलिंग करता है, तो उसको दोस्तों ये एक तरह से भगवान मिल गए हैं कि हाँ, अब चार्ज, पावर बैंक ले जाने की झंझट ही खत्म। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये खाली इन्होंने बैटरी ज़्यादा दे दिया, इस डिवाइस का अगर मैं स्पेसिफिकेशन देखूँ तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी बढ़िया डिवाइस है। लेकिन दोस्तों, अभी प्राइसिंग इसकी कुछ क्लियर नहीं है, क्या प्राइसिंग है, इंटरनेशनल प्राइसिंग तक क्लियर नहीं है अभी, खाली इसको शोकेस किया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हमने आपको इसमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बताया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।